सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों में एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्राध्यक्ष नीली क्रांति, आज आपके बीच में और सपना बोध की सुरक्षा को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। विशाल गाजी और सपना बोध ने एक गाना गाया था, जो मैं गाना पहले आपको सुनाऊं कि वो गाना क्या था, और उस गाने की वजह से लगातार उन पर धमकी आ रही है। गाना ये है, गाना में ये गाना था जो विशाल गाजीपुरी और उनकी वाइफ सपना बोध ने गाया था। उसके बाद इतने सारे फोन उनके पास आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। उनका 2 साल का बच्चा है, उसको धमकी दे रहे हैं कि उसको बच्चे को उठा लेंगे, स्टूडियो को जला दिया। इसके संबंध में एक FIR भी करी है, और विशाल गाजीपुर ने, अभी मेरी 1 घंटे पहले उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को जो सुरक्षा दिलाई जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। और सच्चाई को बताने के लिए इस देश के अंदर जैसे ये मनुवादी लोग धमकी देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अगर आप जैसे लोग अगर नहीं सामने आएंगे तो कैसे बात चलेगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं और नीली क्रांति की सारी टीम आपके साथ है, आपकी पूरी मदद करेगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपने FIR कराई है उनको दंड दिया जाए, क्योंकि ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 ये कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपनी बात को कह सकते हैं। अगर गाने के माध्यम से किसी ने अगर अपनी बात को रखने का काम किया है, तो क्या अंधभक्त उनको जान से मारने की धमकी देंगे, उनके स्टूडियो को जलाने का काम करेंगे, उनकी पत्नी को धमकी देंगे, उनके बच्चों को उठाने के लिए कहेंगे? ये कहाँ का राज चल रहा है? उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है उसको ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने SSP गाजीपुर से, DM से ये गुजारिश भी की है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। जब तक उनको वेपन का लाइसेंस नहीं मिलेगा और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनकी मदद करें, और उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, क्योंकि जो विशाल गाजीपुरिया हैं वो अपने गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने सच्चाई को बताने का काम किया है। जब जब भी सरकार की कमियों को या सरकार के विषय में कोई अपनी बात रखता है, तो सरकार के कुछ लोग और ऐसे गुंडे उनको धमकाने का काम करते हैं,
सरकार झूठी एफआईआर लिखने का काम करते हैं और जेल में डालने का काम करते हैं, एनएसए लगाने का काम करते हैं। अगर सरकार ऐसे काम कराएगी तो फिर तो कोई अपनी आवाज को उठा ही नहीं सकता है। मैं जब भी तो कहता हूं इस सरकार के अंदर संविधान को खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे लोगों की आवाज को बंद किया जा रहा है। कब तक ये लोगों को डराते रहेंगे? और अब तो इनके गुंडे हैं जो सरेआम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। हम पूरी तरह से विशाल गाजीपुर और उनके परिवार के साथ हैं। मैं नहीं, पूरे देश के नौजवान साथी, पूरे देश के जो लोग जो भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पर विश्वास करते हैं, जो समता मैत्री भाईचारे पर विश्वास करते हैं, वो विशाल के साथ में हैं। और मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज उन नौजवान साथी को आपकी जरूरत है, आपको बाहर निकलना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराए। जब गुंडों को सुरक्षा मुहैया की जा सकती है तो ऐसे नौजवान साथियों को जो क्रांति का काम कर रहे हैं उनको क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है? तो आपके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देश के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, उनकी आज जिम्मेदारी है कि आज एक हमारा भाई ऐसी परेशानी के अंदर है कि उनका मनोबल को तोड़ा जा रहा है, धमकी दी जा रही है, आज हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी नील क्रांति के सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और जैसी भी मदद होगी हम लोगों से करेंगे, हम मिलने भी जाएंगे। अभी बात भी हुई थी उनसे और हमने उनको आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे, एसएसपी से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और दबाव बनाओ, आप एसएसपी के वहां पर जाइए, आप डीएम से जाइए, उनको कहें कि नहीं उनको सुरक्षा की जरूरत है। अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली तो गुंडे उनको मार देंगे। अगर उनको और उनके परिवार को कोई भी हानि होती है तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार को ये पता है कि एक नौजवान साथी पूरे देश के अंदर गुहार लगा रहा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, मगर सरकार उसको सुरक्षा देने में नाकामयाब है, जानबूझकर उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कोई सिरफिरा आएगा और वहां पर कुछ अनहोनी करके जाएगा, जब लोग सारे लोग जागेंगे फिर राजनीति भी करेंगे, फिर बड़े बड़े काफिला लेके भी उनके घर पर जाएंगे। अभी जिम्मेदारी है कि अभी कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ अगर आपसे मदद मांग रहा है तो आपको आना चाहिए, सामने आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। क्या इसके लोग, क्या एक व्यक्ति को हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं? फिर कैसे हम बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं? कैसे हम भारत के संविधान को बचाएंगे ऐसे लोगों से जो सिर्फ लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं? जब जब भी यहां पर दलित समाज या मुस्लिम समाज के लोग अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं या ओबीसी समाज के लोग अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं, जब जब भी उनको झूठे केस में, मुकदमों में, जेल में डाला जाता है, एनएसए लगाया जाता है या उनको धमकी देकर उनकी आवाज को बंद किया जाता है, ये कब तक चलता रहेगा? ये बंद होना चाहिए और हम इसकी आवाज उठाएंगे। हम दिल्ली में भी इसकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हम खुद में अपने लेटर पैड पर होम मिनिस्टर को कुछ चिट्ठी लिखूंगा कि उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि आज एक व्यक्ति, एक नौजवान साथी पूरे देश के लोगों से गुहार लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे सुरक्षा प्रदान करो, मुझे सुरक्षा प्रदान करो। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है? हमारी ड्यूटी बननी चाहिए। ये लोग लगातार संविधान को कमजोर करते जा रहे हैं, संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं उनको लगातार छीन रहे हैं। और ऐसे नौजवान साथी जो समाज में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये मनु मानसिकता के लोग कब तक ऐसी धमकियां देते रहेंगे, ये आप लोगों को सोचना होगा। हमने उनसे वादा किया है कि आपकी पूरी मदद की जाएगी, समाज आपके साथ है, सारे नौजवान साथी आपके साथ हैं और प्रशासन को आपकी सुरक्षा मुहैया करानी ही पड़ेगी। हम प्रशासन को बार बार कहते हैं और हम खुद जाकर प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, उस परिवार के नौजवान साथी विशाल को वेपन लाइसेंस दिया जाए जिससे कि वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कैसे मर्डर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, ऐसे
वहां पर रहना आज के विषय में एक्टिविस्ट को बहुत ही ऐसे समझिए जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो वो जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको और ज्यादा काम करें। अभी विशाल से जब मेरी बात हुई तो कह रहे कि मैं लंबा काम करना चाहता हूं, मैं समाज की जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग विशाल का उसके परिवार का साथ दें, हम तो साथ दे ही रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जो उनके आसपास के लोग हैं, गाजीपुर के आसपास के लोग हैं, नखलऊ के लोग हैं, वो उनसे जाकर मिलें, उनको आश्वासन दें कि हम आपके साथ हैं। और डीएम से जाकर मिलें, एसएसपी से जाकर मिलें, उनको लिखित में शिकायत दें कि इस नौजवान साथी को हजारों कॉल आ रही हैं धमकी देने की, मारने की धमकी देने की, और उनके स्टूडियो को भी जला दिया गया है, परिवार के बच्चों को उठाने की धमकी आ रही हैं। तो ये ऐसी अनहोनी ना हो उससे पहले सरकार को सोचना चाहिए कि उस नौजवान को सही एक प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए उसके परिवार को, और जिससे कि वो अपना जीवन आगे अच्छी तरह बहमुक्त अपना जीवन चला सके। साथियों मैं एक नंबर भी दे रहा हूं आपको अपना, 9582905506। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उस नंबर पर बात कर सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी मदद हो सकती है लीगली तौर पर हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अब तक भी हम मदद करते आए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकारों की वजह से, उनके संविधान की वजह से हम इस पद पर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हम वकील हैं, हमारी टीम है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश में कहीं भी अगर नौजवान किसी ऐसे एक्टिविस्ट पर अगर कोई अत्याचार करता है, धमकी देता है, या सरकारें उनकी बात नहीं मानती है, तो हम जाकर उन लोगों की मदद करें। ये हमारा काम है, ये आपका काम भी होना चाहिए। आप लोग हमसे जुड़ें और आगे लोगों की बात को पहुंचाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय नीली क्रांति, जय संविधान साथियों।